घरोंडा के हरसिंहपुरा गांव में 50 फुट गहरे बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। घरोंडा थाने के थाना प्रभारी निरीक्षक ने फोन पर बताया कि वह रविवार को खेत में खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी ने कहा कि बच्ची को बचाव कर्मियों द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद उसे करनाल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया व स्थानीय बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण भी मौके पर पहुंच गए। घरोंडा थाने के थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बच्ची रविवार को खेत में खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उसके परिवार को बच्ची के लापता होने का पता चला तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें बोरवेल में उसके गिरे होने का शक हुआ। अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और बचाव अभियान शुरू किया गया। बाद में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के संयुक्त प्रयास और काफी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। आप भी देखें कि बच्चे को बाहर निकालने के बाद गांव के लोग किस प्रकार एनडीआरएफ की टीम को आशीर्वाद देकर उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। हालत गंभीर के चलते बच्ची को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया था। बच्ची का पता लगाने के लिए बचाव कर्मियों ने कैमरे का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें उसका पैर दिखा। बच्ची को यह एहसास कराने के लिए कि वह अकेली नहीं है, उसके माता पिता की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बोरवेल में चलाई गई थी। उन्होंने बताया कि बोरवेल में बच्चे की कोई हरकत नहीं दिखी, वह सिर के बल बोरवेल में गिरी थी। आप भी सुनिए बच्ची की माँ की ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वो किस प्रकार अपनी बेटी को आवाज लगा रही है। ए शिवानी, शिवानी, ए शिवानी, शिवानी, ए शिवानी, डरिए नहीं, ए शिवानी, शिवानी, ए शिवानी, शिवानी, ए शिवानी, बेटा डरिए ना बेटा, ए बेटी, शिवानी, ए शिवानी। आखिर बार बार होते ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इसी प्रकार खुले छोड़े रहते रहेंगे और कब तक मासूम जाने इसमें फंसकर दम तोड़ती रहेंगी। हर बार ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से सबक सिखाने की बातें दोहराई जाती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो पता चलता है कि ना तो आमजन ने और ना ही प्रशासन ने इन घटनाओं से कोई सबक सीखा है। प्राय देखा जाता है कि बहुत सी जगहों पर किसानों द्वारा खराब ट्यूबवेल उखाड़ कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित तो कर दिया जाता है, लेकिन ट्यूबवेल उखाड़ने के बाद भी बोरवेल को कंक्रीट से भरकर समतल करने की बजाय किसी बोरी या कट्टे से ढककर खुला छोड़ दिया जाता है, और यही बोरवेल बार बार ऐसे हादसों का कारण बनते रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा ना होने के बाद प्रशासन द्वारा बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती की बातें दोहराई जाती हैं, लेकिन बार बार सामने आते ऐसे हादसे यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सख्ती की ये बातें कोई घटना सामने आने पर उपजा लोगों को आक्रोश शांत होने तक बरकरार रहती है। ऐसे हादसों के लिए बोरवेल खुला छोड़ने वाले खेत मालिक के साथ साथ ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन भी बराबर के दोषी होते हैं। प्रशासन को उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। वो क्या काम करते हैं? दुकान है उसकी। तो ये बोरवेल कब से खुदा हुआ था यहाँ पे? 6 महीने पहले जी। तो बंद नहीं किया हुआ था इसको? बंद, अभी बंद हुआ है, सोच रहे बंद करने की, क्या पता है ऐसे अचानक काम हो जाएगा सर। जी, तो 3 बजे से ढूंढ रहे हैं बच्चे? 3 बजे ढूंढ रहे हैं। तो बाद में कैसे पता चला यहाँ पर है? बाद में जी वैसे भाई ने फोन वगैरह रसीद डाली, फोन पर वो बंद टॉर्च, उसके बाद फिर पता चला। तो वीडियो आई थी बच्चे की? तो आप जी नाम बताए अपना? मेरा नाम लक्ष्मण बरागिया जी। लक्ष्मण जी बताए क्या मामला हुआ है? मामला है जी, गुड़िया घर से बाहर खेल खुल रही थी, 4 बजे के आसपास की बात है।
तो इन्होंने गांव गांव में हमने सबने देखा, गांव गांव में अपने आसपास के गांव में देखा, तो नहीं मिलने के बाद हम शाम तक है ना 8 के करीब टाइम हो चुका था, तो हमने 1% चांस लगा लिया भाई इस बोर में पा सकती है। हमने टीन हटाई बोर से, उसमें पहले बैटरी भेजी, फिर एक फ़ोन भेजा रही वीडियो चला कर, और नीचे भेजा गया वीडियो फोन, तब ऊपर फ़ोन मंगा ना वीडियो चेक करी तो उसके पैर दिखाई दिए हमको, तो हमने तुरंत प्रशासन को जानकारी दी, प्रशासन तुरंत आया, तब ये अभी सवेरे मशक्कत के बाद तो निकाल लिया गया बच्चे को। हाँ बच्चे को निकाल लिया। तो क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का जी शिवानी। क्या साल की थी वो? ये 5.5 साल की। तो क्या लगता है बच्चे अभी जीवित है या? तो जी डॉक्टरों की टीम को पता है, अभी टीम लेगी, डॉक्टरों की टीम लेगी। कहाँ ले जाया गया उसको? करनाल। NDRF की टीम है और पूरे हमारे लोकल पुलिस प्रशासन ने सब ने मिल के जो ये बॉडी बच्ची को बाहर निकाला है, तो मैं समझता हूँ कि एक लापरवाही तो जरूर मैं कहूँगा कि एक जो घर के अंदर एक बोरवेल ऐसे खुला हुआ था, इसके अंदर बच्ची गिरी है, तो आगे से सबको सबक भी लेना चाहिए कि कोई भी इस तरह का बोरवेल है या गड्ढा है उसको बंद करना चाहिए। और बाकी अभी अस्पताल में लेके गए हैं बच्ची को। तो बच्ची में कहीं सांस है जी, बचाया गया बच्ची को? डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चलेगा, इसीलिए निकालने के तुरंत बाद लेकर गए हैं। सर जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है, आप भी रात भर से यहीं पे थे, तो और जो जिला प्रशासन है सभी करनाल पुलिस तो मौजूद थे, तो क्या कहें? देखिए सभी की जिम्मेवारी भी बनती है और मैं इतना कहूँगा कि सब ने अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिससे कि सभी को दुख है, सभी गांव के लोग सब लोग यहां पर जमा थे, पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी से काम किया और NDRF की टीम जो बुलाई थी उन्होंने भी बहुत कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला है। मैं समझता हूं कि सब ने अपनी जिम्मेवारी को बड़ी गंभीरता से निभाई। हाँ सर सब सारे सर सभी का ना। हाँ जी सर। सर नाम था सर अपना? सर नाम बताए पहले अपना। मैं असिस्टेंट कमांडेंट अनिल कुमार सिंह गाजियाबाद से NDRF की यूनिट से आया हुआ हूँ, और हमारे साथ हमारी 37 सदस्यीय टीम स्पेशलाइज टीम है जिसने कि लगभग एक साल के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 ऑपरेशन किए हैं और जिसमें सारे सफल रहे हैं, और ये उम्मीद यही थी कि अगर ये लड़की जो है सर की अपेक्षा अगर पैरों के बल गई होती तो हम लोग 100% इसको लाइव रेस्क्यू कर लेते हैं, बट दुर्भाग्य ये रहा कि ये जो है बच्चा पैरों के बल ना जाके सर के बल गया, उस वजह से जो है हमें बहुत खेद है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कम समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर बच्चे के अंदर सांस बाकी थे? इस बारे में हम कोई आपको जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इस चीज़ की कंफर्म जानकारी डॉक्टर के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चे को निकालने में कितना टाइम लगा? कितने घंटे लगे सर? बच्चे को निकालने में लगभग हम लोग यहाँ पे एट द स्पॉट 3:30-4 बजे पहुँचे हैं और 9 बजे हमने निकाल दिया है, तो लगभग 5 घंटे का एक काफ़ी संघर्ष भरा जो है समय लगा जी, जिसमें हमने वायर लूप और क्लोथ बैकेट का यूज किया जी, और जिसमें हम लोग सफल हुए और हमने बच्चे को निकाला जी। तो कोई क्रिटिकल स्थिति थी बच्चे की जिस प्रकार से इतना टाइम लगा है, 5 घंटे लगे? हाँ, चूंकि बच्चा सर के बल गया था जी, और बच्चा मड में स्टक हो रखा था, लगभग पूरी बॉडी उसकी उसमें मिट्टी में दबी हुई थी जी जी, इस वजह से बच्चे को निकालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर बताएं क्या मामला सर हुई है? क्या ये मामला? कल लगभग 3 बजे ये शिवानी नाम की लड़की जिसकी उम्र करीब 5 साल है, जो 50 फुट गहरे बोरवाल में नीचे सिर के मतलब मुंदे मुँह गिर गई थी, जिसका एक पैर और एक हाथ नज़र आ रहा था मामूली का, तो NDRF की टीम जो गाजियाबाद से आई और जो आर्मी की और उससे उन्होंने मिल के इस ऑपरेशन को सफल बनाया और उसको निकाल करके बच्ची को और एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल करनाल पहुँचवा दिया। तो कहीं बच्ची में सांस बाकी है जी? नहीं, बच्ची अभी अनकॉन्शियस थी, अभी तो वो तो मेडिकल जांच में ही पता चलेगा डॉक्टरी में कि बच्ची में सांस है या नहीं है। कितने बजे घटना जी? ये घटना कल करीब 3 बजे की है, लेकिन इनको जो इनके पेरेंट्स वगैरह हैं उनको पता चला करीब रात के 9 बजे।
सर दो बार पहले कोशिश की थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तीसरी बार भी वैसे ही निकाला गया बच्ची को। दो बार पहले कोशिश की थी लेकिन वो कुछ कमी की वजह से जो पैर में उसका वो फंदा था वो नहीं फंस रहा था, तो दोबारा से एक 20-20 फुट के पाइप ला करके उनके जरिए फिर वो दोबारा फंदा डाल करके और उनसे नीचे उसको करके और फिर बच्ची को उसमें निकाला गया पैर में फंदा डाल के। तो बच्ची को कहाँ भेज दिया गया जी? बच्ची को करनाल हॉस्पिटल भेज दिया गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।